शर्लिन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, नो डाउट हम दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए अपनी बहन से माफ़ी मांगती हूँ। आई लव यू। और छोटी बहन या बड़ी बहन? छोटी बहन। हम उम्र। तो बात यह है, तो शर्लिन ने आदिल को भाई करके एक वीडियो दिया था, हालांकि इनको बिल्कुल सच्चाई पता नहीं थी। शर्लिन को मैंने फ़ोन किया, मैंने सच्चाई बताई, शर्लिन ने घर पे बुलाया, मैंने उनको सारी वीडियोस, सारा जितना भी सब कुछ था मैंने उनको दिखाया। शी शॉक, इनके रोंगटे खड़े हो गए। ओ माई गॉड, ये आदिल है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम पागल हो ऐसे लड़के से शादी करने के लिए, तुम्हें और कोई नहीं मिला था, ये तुमने क्या किया, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब आगे मैं शर्लिन को ओवर टू शर्लिन। क्या बोलूँ मैं तो उसको भाई मानने लगी थी। मुझे लगा कि चलो हमारी राजकुमारी का राजकुमार है वो। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, अपने सारे वीडियोस देखे, जी जी, राखी जी के सेल फोन पर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे, आपत्तिजनक वीडियोस, जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये है असलियत आपके भाई साहब की। तो मैंने कहा अब क्या। उन्होंने कहा कि बस जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा, और क्या, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। तो मैं सोच में पड़ गई, मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्यार इश्क मोहब्बत में आमतौर पर हमें धोखा मिलता है, क्यों, या ये कोई पैटर्न है क्या? फिल्मों में अच्छा लगता है लेकिन असल ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं। तो मैंने राखी से कहा कि राखी आपको आपका वो गाना याद है परदेसिया, जिसमें आप इतनी हॉट लगती हैं, ज़बरदस्त, एकदम यू नो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ। तो मैंने कहा आप जल्द से जल्द वैसे बन जाओ, मतलब न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आपका जो ये ब्रांड है फायर ब्रांड जिसे कहा जाता है। एक्चुअली मैंने कहा आई स्टिल, उन्होंने पूछा यू लव आदिल, आई स्टिल लव हिम, मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले अपने आप से प्यार करो। इन्होंने मुझे सिखाया। मैंने इनसे पूछा एक सेकेंड, आदिल खुद से प्यार करते हैं, आप आदिल से प्यार करते हैं, तो राखी सावंत से कौन प्यार करता है? तो ये सोच में पड़ गई, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि राखी सावंत से कौन प्यार करता है। तो मैंने कहा करो करो, जितना उस बंदे से प्यार करती हो या करती थी उससे 10 गुना ज़्यादा खुद से प्यार करो। और तब ये थोड़ी भावुक हो गई। नहीं, राखी सावंत से तमाम लोग प्यार करते हैं, वो तो दर्शक प्यार करते हैं, आप करती हैं, मैं करता हूं, और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सभी करते हैं, राखी अकेले नहीं है, मीडिया के तमाम लोग प्यार करते हैं। ये खुद से क्यों नहीं करती हैं? नहीं, करने लगेंगी अब आपने जो सिखाया है, अब वो खुद से भी प्यार धीरे धीरे होने लगे। जब ये अकेले बैठ के घर में ठंडे दिमाग से सोच रही है, हमेशा गला दबाते, आज भी दबा दे ये। चलिए क्वेश्चन एक बॉक्स प्लीज। जी मैंने स्टेप तब इसलिए नहीं लिया था कि मैं अपना घर बचाना चाह रही थी, कि ऐसे तो बहुत सारे लोगों के घर में होता है, यू नो, हर जगह। अब मैं कोशिश कर रही थी, उनको मौका दे रही थी, वो हमेशा कसमें खा रहे थे कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन फिर करते थे। आदिल हमेशा कसमें खाते थे दोबारा नहीं करूँगा, फिर उनके आंटी से बात करती थी, उनके आंटी हमेशा कहती थी गिव हिम अ वन चांस, एंड आई वॉज गिविंग हिम, ऑलवेज गिविंग मे चांस, हमेशा मैं चांस देती थी। और फिर मैंने कहा कि चलो राखी, मुझे सबने बोला कि अब तुम्हारा बेबी हो जाना चाहिए तो आदिल सुधर जाएगा। सो मैंने उस वक्त एक बहुत बड़ा सर्जरी मेरा हुआ यूट्रस का, या आई डिड इट, के हाँ मेरा प्रॉब्लम था थोड़ा, तो आई डिड इट। डॉक्टर विना शिंदे उन्होंने ही सर्जरी किया मेरा, एंड विद इन 1 or 2 months मैंने कंसीव भी किया, एंड हालांकि उन्होंने मना किया था कि 2-3 months तो बिल्कुल, कुछ 6 months तो कुछ नहीं होना चाहिए था, बट इट्स अ लाइफ, इट्स अ मैरिज लाइफ, यू कांट स्टॉप दिस।
एंड इतने में मुझे बिग बॉस मराठी का ऑफर आ गया एंड मैं बिग बॉस मराठी में चली गई। देन बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई, मैंने बहुत सारा बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया क्योंकि मेरे पे पहले भी एक दाग लगा था मेरे फर्स्ट मैरिज का, जो कि मैरिज नहीं थी, जो कि मेरी वो मैरिज नहीं थी। बट मैंने कहा कि अब मैं दुनिया का और मीडिया वालों को अब मैं वो डर गई थी मैं एक्चुअली कि मुझे फिर से लगाएंगे दाग के, अरे इसके इनका दाग रहता है ना हिंदुस्तान में, ये दाग लगाते हैं, अरे इसके साथ तो कोई आदमी नहीं टिकता, अरे इसकी दूसरी शादी हो गई, लड़का कितना भोला है, अरे इसी में प्रॉब्लम है, औरत में ही प्रॉब्लम है। इस डर से मैं सामने नहीं आ रही थी। आदिल ने बार बार बोला मेरा चेहरा देखती हो, हाँ तो मैं मेंटल साबित कर दूंगा, तुम ऑलरेडी मीडिया में बदनाम हो, दुनिया में बदनाम हो, लोग मेरा विश्वास करेंगे तुम्हारा नहीं। मैं डर के मारे चुप बैठी, मैं बोली ये बात तो सच है, मैं तो पीड़िता हूँ, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं उन्होंने कहा नमाज पढ़, मैं नमाज पढ़ी और मन से पढ़ी, कुछ नहीं, मैं उल्टा उनको ज़बरदस्ती करती थी, आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। वो सिर्फ फ्राइडे को पढ़ते थे, वो भी मिस कर जाते थे, बीवी होने के नाते उनको कहती थी पढ़ो, और मैं भी खुद पढ़ती थी। उन्होंने बोला कि हमको, मुझे आपसे फ्रीडम चाहिए, तुम मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं कभी पीछे गई नहीं, लेकिन हमेशा लड़कियों ने मुझे उनके साथ में वीडियोस भेजे हैं, उन लड़कियों का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ मैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्लबों में किसिंग, होटल बुकिंग, मेरे ही पैसों से सारी होटल बुकिंग, उनकी फ्लाइटें बुकिंग, उनको गिफ्टें देना। मुझे एक मेरे बर्थडे पे मेरे ही पैसों से मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया, उसके साथ में गोल्ड वॉच आई है। तो अभी तीन चार लड़कियां हैं, अब चारों लड़कियों का मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, उसमें गोल्ड वॉच भी उसके साथ आई थी जो वो दुबई से लिया था, तो उन्होंने तो वो अब चारों में से किसको दी है, मैं चारों को किसको पूछने जाऊँ। और मेरी माँ के जेवर, जब ये चले गए कपड़ों के, मेरी माँ के जेवर पैसे अब कौन सी लड़की को दिए हैं इन्होंने, मैं चारों को पूछ रही हूँ। मेरी माँ के जेवर है वो मेरी पूंजी है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, वो मुझे दे दो, जिस भी लड़की के पास उन्होंने दिया है।